ये हो गया हमारा भाला तैयार। अब ये डरेगा, लेकिन ये लोहे का एंगल है और इस पे ये चाकू बांध लिया, तो उम्मीद करते हैं वो धागा। सॉरी बॉस, भाई ये बना रहा हूँ मैं एक जुगाड़ कह लो, जो हम पतंग उड़ाते हैं ना, वो इन छोटे छोटे पक्षियों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो देखो। यहाँ पे है ना एक कौवा, देखो ऊपर कैसे लटका हुआ है, पतंग के धागे में पंख फंस गए हैं और बेचारा निकल नहीं पा रहा है, और पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डर रहा है। अब इतना बुरे तरीके से फड़फड़ा रहा है, वहाँ तक हाथ भी नहीं जा रहा, तो ये लोहे में एक ये चाकू फंसा के धागे को काटते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए, शायद काम कर जाएगी, क्योंकि बता रहे हैं काफ़ी देर से यहाँ पे ये इस तरीके से लटका हुआ है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से उसकी बेचारे की हालत ऐसी हो रही है, तो ये शायद ये काम कर जाएगा चाकू वाला तरीका, देखते हैं। वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हमारे को कितना, जो हम थोड़ा सा मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, इन छोटे छोटे जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए ये कितना नुकसानदायक हो सकती हैं। ये देखो आप उसकी हालत देख के, बेचारा कैसे बुरे तरीके से लटका हुआ है इसमें, और कर भी कुछ नहीं सकता, फड़फड़ा बहुत रहा है जब उसकी तरफ जा रहा है ना, हम जाएंगे अभी दिखाता हूँ आपको, तो ऐसा डर रहा है कि जैसे उसको नहीं पता ना कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है या मारने की, और इतनी धूप हो रही है। ये हो गया हमारा भाला तैयार, अब ये डरेगा, लेकिन ये लोहे का एंगल है और इस पर ये चाकू बांध लिया, तो उम्मीद करते हैं वो धागा कट जाएगा वहाँ पे। अब देखना ये डर कितना ज़्यादा रहा है, ये अपना पंख ना फाड़ ले, बस ये डर लग रहा है, और ये पहुँचेगा कि नहीं ये भी अभी बड़ा सवाल है। ये देखो, सॉरी बॉस, पहुँचेगा, जूम कर सकते हो, लेकिन पहुँचेगा ही नहीं, और बड़ा करना पड़ेगा इसको। ये सारे कौवे इसके साथ वाले आ गए, हमसे दिक्कत पता क्या है उनको, चलो ना, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मारने के लिए लगे हुए हैं कि बचाने के लिए लगे हुए हैं, ये भी कितनी अजीब बात है। अब उनको तो बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे ऊपर, बहुत सारे मदद नहीं कर सकते बेचारे कुछ इसकी, लेकिन पागलों की तरह कहाँ कहाँ चल रही है, तो मतलब बॉन्डिंग तो इनमें अच्छी होती होगी यकीनन। अभी शायद पहुँच जाए इसके बाद ही, ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो धूप लग रही है एक तो, और ये देखो पसीने कैसे आ गए इतनी सी देर में, और ये इन कौओं ने ऐसा कर दिया है कि जैसे मैं ही इसको मारने के लिए आया हूँ, चारों तरफ से इतने घूम रहे हैं, वो ऊपर वाला अलग से फड़फड़ा रहा है, वो देखो। ओह माय गॉड, निकल गया। वैसे ये बनाया हुआ तो काम नहीं आया, लेकिन शायद वो मरने के डर से खुद निकल गया, ये अच्छा हुआ, तो इसको तो काट ही देते हैं वैसे, कोई और ना फंसे। आई थोड़ा सा उसने नुन्ना इतने में बैठ जगह है, नुन्नो कैमरा लेकर गई। ये देखो, अबे इतना मजबूत है, बहुत मजबूत धागा होता है ये। चलो लग रहा कट गया। ओ मेरा मेरा वैसे हम बचा तो नहीं सके, मतलब हमने तो नहीं बचाया उसको,
लेकिन कोशिश जरूर करिए। हमारी कोशिश के एफर्ट से शायद वो घबरा रहा था कि हम निपटाने वाले हैं, उसको डर लग रहा होगा ना, तो वो खुद ही निकल गया उसके एफर्ट से। देखो ये ऐसे धागे लटके हुए हैं, देखो चलो पूरे पेड़ पे ऐसे धागे लटके हैं। ध्यान रखो इस तरह से इनकी हालत बेचारों की खराब हो जाती है। ये तो कम से कम बच गया, ध्यान रखो आसपास में। सबसे ज्यादा पक्षी रोए इस पर, और ये सारे घूम रहे हैं उसको बचाने के लिए, इतने आगे थे बस मदद नहीं कर सकते थे कुछ नहीं। देखो 15-20 मिनट में मेरी ऐसी हालत हो गई, वो बेचारा यहाँ पे 2 घंटे से बता रहे हैं लटका हुआ था, तो उसकी हालत कैसी हो रही होगी, इतनी धूप पड़ रही है इतनी ज़्यादा, और इन्होंने आफत मचा रखी है। ऊपर देखो कितने उड़ रहे हैं चारों तरफ, बस हेल्प नहीं कर सकते थे, बहुत बुरी हालत थी। और मरने का डर है ना, कि कितना कमाल का था कि उसको लग रहा होगा कि उसको बचाने नहीं शायद पकड़ने के लिए आए हैं, तो उसने खुद इतना एफर्ट किया कि निकल गया उसका पंख उसमें से। चलो लेकिन मेहनत काम आई गई ना, वो बच गया। जय हिंद।